जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी जब हम कोई सब बेस को कंक्रीट करते हैं, पोरिंग करते हैं, तो उसके गाइड क्या होते हैं, कैसे कैसे हम जो है गाइड टू पोरिंग कंक्रीट। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखे इंस्टॉलेशन कंक्रीट इज़ ए चैलेंजिंग जॉब एज एवरी कंक्रीट पोर डिफरेंट साइज शेप कलर फिनिश एंड प्रोजेक्ट। यानी इसमें यह है कि जब भी आप कोई कंक्रीट का पार्ट करते हैं सब बेस में, तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि हमें एरिया तैयार करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट और पहला जो स्टेप्स है वो आपका के गाइडेंस है, इसमें आपको गाइड किया जा रहा है किस किस तरीके से आपको सब बेस अगर पोरिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप जो इसका आता है, फर्स्ट स्टेप है साइट वर्क, यानी कि बिफोर कंक्रीट। कंक्रीट से पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो मेटल टाइप है बिफोर कंक्रीट से पहले आप क्या करेंगे, जितने भी आपके साइट्स पे ग्रास हैं, सॉइल है, फ्रॉस्ट में जंगल होते हैं, या जो भी है टूल्स है, क्लियर है, ग्रास रॉक है, ट्रीज है, जितने भी रॉक्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, उन सारे को क्या करना है आपको, रिमूव करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एंड ओल्ड कंक्रीट एक्सपोजिंग बेयर अर्थ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स स्पीड अप प्रोसेसिंग ए लार्ज पोर, यानी कि इसको सारे को आपको रिमूव करना है, हटाना है। यानी कि एक एरिया इन साइड, सबसे पहले आपको एक एरिया को लेवल करना है। अगर आप किसी भी कोई भी अगर प्लॉट है, या कोई भी अगर मतलब सरफेस है, उस पर अगर जंगल है, रॉक है, तो पहले उन चीज़ों को सबसे पहले आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप आता है फॉर्मिंग का। फॉर्मिंग का सब बेस, तो आपको सब बेस प्रिपेयर करना होता है। ये सामने आप देख रहे होंगे, सारा का सारा सब बेस प्रिपेयर करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसमें लिखा हुआ है सब बेस इज प्रिपेयर फॉर्म कैन बी सेट फॉर रेजिडेंशियल कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट, वी यूज वुड फॉर्म मेटल ऑफ वुड स्टैक। यानी कि सब बेस प्रिपेयर जब आप करते हैं, सब बेस को जब प्रिपेयर करने के बाद आपको उसको किसी भी वुड फ्रेम से या मेटल से, वुड से स्टैक्स करते हैं, अटैच फ्रॉम द स्टैक्स एंड स्क्रू फॉर स्पेशल नेल्स टू अलाउ इजी रिमूवल एंड द कंक्रीट हैज क्योर्ड शुड बी इन गुड कंडीशन एज प्रोवाइडेड द, यानी कि इसमें यह है कि ग्रेट फॉर ड्रेनेज एंड क्लीन कॉर्नर विद द मेट। इसमें मतलब ये कह रहा है इसमें फॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आपको सब इसको प्रिपेयर करना है। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको इसी तरीके से इसको राइमिंग करनी है, उसके बाद मेटल या वुड है उसको स्टैक्स करना है, और अटैच फ्रॉम द स्टैक्स स्क्रू की किसी भी स्क्रू के साथ इसको अटैक करके उसको प्रॉपर तरीके से रेडी करना है। थर्ड स्टेप आता है मिक्सिंग। अब आप प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करेंगे, जो भी कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक मिक्सर मशीन में प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करते हैं, थर्ड मिक्सिंग है। फोर्थ आता है प्लेसमेंट। मिक्स होने के बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से जिस जगह पे आपको कंक्रीट करना है, पोर वेट कंक्रीट इनटू द फॉर्म अंटिल दे आर फुल टू द टॉप एज, व्हाइल द वेट कंक्रीट इज बीइंग पोर्ड यूज शॉवल्स रैक एंड कम एलोंग, जिससे भी शॉवल अगर यूज़ करके आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको पोर करते हैं। टू मूव कंक्रीट मेक श्योर देर नो वॉइड्स एंड पॉकेट, यानी कि कहीं भी याद रखिए पोर करने के दौरान में कोई भी एयर बबल्स वगैरह वॉइड्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप्स है अर्ली फिनिशिंग, उसके बाद फिनिशिंग करते हैं। फिनिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं यू लार्ज मेटल वुड बोर्ड टू स्क्रू टॉप ऑफ द कंक्रीट, स्क्रीडिंग हेल्प कॉम्पैक्ट एंड कंसोलिडेशन कंक्रीट एंड बीइंग द स्मूथ लेवलिंग, लेवलिंग बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सरफेस से बराबर होना चाहिए इस तरीके से। सिक्स स्टेप है ट्रॉवलिंग। ट्रॉवलिंग क्या होता है, ट्रॉवलिंग एक ब्रूम फिनिश करते हैं हम एक इसके साथ, इसको ट्रॉवल्ड स्टैम्प्ड स्टील ट्रॉवल्स होते हैं, वो स्टील के होते हैं, लोहे के होते हैं, उससे उसको हम काफ़ी स्मूथ सर्फेस को स्मूथ करते हैं। सेवन्थ से फाइनल फिनिशिंग। फाइनल फिनिशिंग करते हैं बाई ब्रश, वायर ब्रश देखिए यूज़ कर रहा है इस पर रफनेस रफ करते हैं, क्योंकि ये सब बेस है, सब बेस में हमेशा सब बेस जो है रफ होता है, रफनेस करते हैं। फाइनल जो एट स्टेप्स है वो है आपका क्यूरिंग का। लेट कंक्रीट कैन रिसेट द बींग टू क्योर गेट हार्ड क्यूरिंग लेटेस्ट लास्ट 28 डेज विद द फर्स्ट 48 आवर्स बींग द मोस्ट क्रिटिकल, अप्लाई लिक्विड केमिकल क्यूरिंग सीलिंग कंपाउंड टू हेल्प कंक्रीट क्योर स्लोली। कंक्रीट को क्यूरिंग करते हैं, प्रॉपर क्यूर्स करते हैं इसको, 5 to 7 days तक प्रॉपर इसकी जो है क्यूरिंग होती है ताकि ये सरफेस हार्ड हो जाए। तो ये टोटल के टोटल आपके जो है 8 स्टेप्स हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।